वेलकम निकी ऑन फीफा बूस्ट टीवी. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुड गुड. एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस प्रोजेक्ट. एंड बालाजी के साथ भी आपका नाम जुड़ने वाला है, क्या कहेंगे? हाउ इज द फीलिंग? थैंक यू सो मच. द फीलिंग इज अमेजिंग. बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है. आई कांट वेट फॉर द 22nd. इट्स लाइक आई हैव अ पर्सनल काउंटडाउन गोइंग ऑन अपने मन के अंदर, बिकॉज़ आई एम लाइक ओके या एवरीथिंग इज चेंजिंग. किरदार पूछना चाहेंगे. पिछला जो सीजन रहा ब्रह्म राक्षस का, काफी हिट रहा, काफी हॉरर भी रहा, राक्षस को लेकर काफी दहशत थी. इस बार किस अंदाज में, मतलब इस शो को प्रेजेंट किया जाएगा ऑन स्क्रीन, और निक्की किस अंदाज में नजर आएगी? किरदार के बारे में बात हो जाए निक्की. One, so definitely it was a major major hit, and you know उसके साथ obviously expectation लोगों की बढ़ती है कि you know season two भी उतना ही अच्छा हो. तो वो मुझे बहुत feel हो रहा है कि I have to do well, I have to do good so that you know the audience can accept me as Kalyani and as Nikki both. अगर मैं Nikki के बारे में बात करूँ कि Nikki किस अंदाज में दिखेगी, Nikki एक बहुत simple कैरेक्टर में, जो मतलब बिकॉज यू नो ब्यूटी होती है सिंपलिसिटी में, वो कालिंदी की भी स्पेशलिटी है. एंड इवन एज अ पर्सन आई लाइक टू रिमेन वेरी सिंपल, तो मैं बहुत कालिंदी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ. सो आज की लड़की है, उसके पास ज़्यादा चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, एंड शी इज वेरी फोकस्ड. सो इतना मजा आ रहा है, शूटिंग ऑलमोस्ट चल रही है, प्रोमोज भी रिलीज हो चुके हैं, और पर्ल के साथ एक नई जोड़ी बनने जा रही है बालाजी में. तो क्या कहेंगी, कैसे, किस तरह से, कितना मजा आ रहा है, केमिस्ट्री को लेकर बात करना चाहेंगे ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन भी? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. सी द पूरा जो सेट का अभी फिलहाल एटमॉस्फेयर, इट्स वेरी पॉजिटिव. एंड यू नो आफ्टर सो मच लाइक दैट वी हैव बीन थ्रू, जो कोविड सिचुएशन थी ये वो, एकदम कॉन्ट्रास्ट फील होता है. हम लोग यू नो शूट करते हैं, इट्स सो मच फन. और पूरी टीम बहुत प्यारी है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं किससे शुरू करूँ, फ्रॉम द डायरेक्टर टू द डीओपी टू ऑल माय को एक्टर्स टू द प्रोडक्शन, एवरीबॉडी इज रियली नाइस. एंड यू नो मेरे को हमेशा चाहिए था कि अगर कोई शो में जो कर रही हूँ तो वो ऐसे ही होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तभी आपको काम करने में मज़ा आता है. एंड मुझे बिना मांगे सब कुछ मिला है, मुझे ऐसे लगता है. सो आई फील रियली ब्लेस्ड. जी बिल्कुल, लंबे समय के बाद हम आपको टेलीविजन पर देखेंगे निक्की, और विद बालाजी शो, क्या कहेंगी? इतना टाइम लिया, कुछ चल रहा था निक्की के दिमाग में? नहीं, एक्चुअली आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग रियली नाइस, यू नो, एंड आई वांटेड कि कुछ अच्छा मिले. मुझे पता नहीं था वो क्या होगा, बट जब तक ये हुआ तब तक भी मुझे नहीं पता था कि मुझे एग्जैक्टली यू नो कहाँ क्या, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है. बट आई वांटेड समथिंग बिग एंड दैट हैपेंड टू मी. मतलब ये जो पूरा साल इतना मेरा यू नो ऐसे हम सब घर के अंदर, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो आई थिंक वही होता है लाइफ का कि एक्सपेक्ट मत करो, आपको मिलेगा, आपके सब्र का फल आपको मिलेगा. सो यही है वो. जहाँ हमने प्रोमो भी देखा, राक्षस को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है और काफी वाइल्ड छवि दिख रही है एक, अगर प्रोमो में हम देखेंगे जो अभी भी रिलीज हुआ है, और डर है, मतलब पूरी दहशत दिख रही है राक्षस को लेकर. तो ये थोड़ा बहुत हिंट दे दे अगर राक्षस के किरदार को लेकर इस बार, क्योंकि शो का नाम ही है ब्रह्म राक्षस. सो ब्रह्म राक्षस तो है ही हमारे, मतलब यू नो इट्स जो एक सुपरस्टिशन उसके अराउंड बना हुआ है, एंड इट्स सपोज्ड टू बी स्केरी. तो ये है वो आपका नॉर्मल, जैसे सीजन वन में ही हैड अ वेरी डिफरेंट मोटिव, सीजन टू में बहुत डिफरेंट मोटिव है. एंड इस लड़की को पता भी नहीं है करूँगी कि कैसे हर किस्मत इज समहाउ रिलेटेड टू ब्रह्म राक्षस. एंड बस यही है कि ही वॉन्ट्स टू बिकम सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो ये छोटी सी लड़की पे आएगा. तो कालिंदी इज 20 years old, 20-21 year old लड़की है वो. उसको कुछ नहीं पता है, फॉर हर लाइफ इज जस्ट काम करना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, अपनी बहन को पढ़ाना, और वहाँ पे इतना बड़ा एक मॉन्स्टर आ जाएगा. सो या लास्ट टाइम हमने देखा कि पराग त्यागी जो है उन्होंने ये किरदार निभाया था ब्रह्म राक्षस का, इस बार कौन सी धासु एंट्री होने वाली है? धासु एंट्री आपको पता चलेगी 2 दिन में.
यू नो यू शुड सी फॉर योरसेल्फ कि कौन बनने वाला है इस साल का एक्साइटिंग क्या बोलो एक मॉन्स्टर मॉन्स्टर तो नहीं बट क्या आई डोंट नो देखना पड़ेगा आपको उसके लिए. जी बिल्कुल अब वो हम जरूर देखेंगे, हम भी एक्साइटेड हैं उसके लिए. और निकी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आपकी जो पोस्ट होती है ना एकदम हट के होती है, अलग से रहती है, मतलब निकी जो होती है ना अलग है, बिंदास है, हमने भी देखा है. तो आज हमने सोचा कि सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ चीजें आपसे जानना चाहेंगे. तो आर यू रेडी फॉर दिस रैपिड फायर राउंड रिलेटेड टू इंस्टाग्राम? ओके सर, शैल वी स्टार्ट? ओके, are you an Instagram obsessed person? Yes, I am. How often do you post pictures online? I don't post a lot of pictures, but I post a lot of stories. Hmm. More of a story person. Kya kiya, kahan gaye? Okay. Do you? Yeah. Do you chat with people you didn't meet real life? Yes, कभी कभी हो जाता है. कितने लोग कितने लोगों के साथ? I think आजकल जैसे पहले एक जमाने में आपका Facebook होता था, Instagram है, DM वही बोलो, DM में बात करते हैं लोग and yeah, हो जाती है कभी बातें लोगों से. Do you top Instagram influencers you follow the most? Influencers में I can take Kardashians का name. I love Kardashians, Kylie and Kim. उसके बाद I like a few makeup influencers. Interesting लगता है makeup, मैं इतना करती नहीं हूँ उनकी तरह, but I like following. And travel influencers. I love travel influencers. नई नई जगहें देखना and all that. I love following those pages also. तो मैं अपनी bed की list बनाती हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. उनके videos देख देख के. Yeah. Any favorite meme? Any favorite meme? Oh, मैं ये बता सकती हूँ. Remember SSK में there was this one this thing वो ड्रामा करके मतलब ऐसे हुआ था कि वो कर्टन पे जाके पूरा वो होती है, बहुत एक फनी मीम बन गया था. एक तो मुझे वो लोगों ने मुझे काफी उसके लिए आके बोला बिकॉज़ यू नो आई वाज आल्सो डूइंग एसएसके, मैं पीछे दिख भी रही हूँ उसके. एंड अदर देन दैट मीम ही बोलेंगे ना उसको, कुकर वाला. हाँ, रसोड़ा. वो वाला आई लव दैट, आई लव इट. हाँ वो लेटेस्ट भी है. जी, what makes you block people on Instagram and how often she block and how often you block? I don't block very often. Okay. अगर किसी वैसे तो अगर कोई गलत कुछ comment भी करता है, I तो don't first of all पहले बहुत affect करता था, you know like कभी कोई बुरा comment आ जाए because ना आप लोग आपको इतना प्यार करते हैं, ना आपको थोड़ा hate भी करेंगे या whatever, but now I'm over it. तो मैं उसको रहने देती हूँ. पहले तो मैं डिलीट भी कर देती थी, नाउ आई डोंट डिलीट आल्सो, आई लेट इट बी. ओके गुड. हैव यू एवर कॉपीड द कैप्शन? कैप्शन मेरे फोटोज पे होते ही नहीं है. आई पुट फ्लावर डाल दूंगी, डेट डाल दूंगी, या तो खुद से कुछ. मेरी ऐसी पिक्चर्स है जहाँ पे आई हैव रिटन छोटी छोटी पोइट्रीज और समथिंग लाइक दैट, वो डाल दिया. I don't copy caption. Okay. Most annoying things you found about Instagram? The most annoying thing. Actually, हर चीज़ का एक अच्छा और वो बुरा ही होता है. मतलब हाँ इतना अच्छा है तो मुझे लगता है कि even though I am obsessed, I wish I could like somehow not be so obsessed with Instagram because आजकल लोग साथ में होते हैं but you know they are और ऐसे दिखाएंगे कि बहुत मजे कर रहे हैं, you know, for a story they'll be having fun and then suddenly they'll start posting and everybody is like silent. मुझे वो चीज नहीं पसंद. I think people should be like in the moment, but वो थोड़ा बदलता जा रहा है the trend. Okay, an Instagram profile you can't skip checking on?
Currently it's ZTV. Because you know those डाल रहे हैं, they put show से related reels डाल दिए, posts डाल दिए, तो I'm currently obsessed with that. But usually I like checking my favorite actors. I love checking Priyanka Chopra's account. And then there is this Faye D'Souza also. थोड़ा अगर कुछ knowledge चाहिए होती है, कुछ चाहिए होती है, तो you know I'll just go and check her page because she tells कि बॉम्बे में क्या हो रहा है, ये वो. थोड़ा update मिल जाता है वहाँ से. And the last one, best comment or compliment you ever got on Instagram. I don't know if it's a good thing, but I have received this comment saying that, you know, कोई मेरा Instagram page देख के बता नहीं सकता what kind of a person I am. So there is still a mystery to me. क्योंकि आजकल क्या हो गया, लोग हर चीज डाल देते हैं, so you know कि वो इंसान कैसा होगा. But मेरा बहुत ही cryptic, mysterious page है. I post anything and everything that I like. मैं ये नहीं सोचती कि वो मुझे model shots ही डालने हैं या ये. फिर मुझे चीज़ अच्छी लगी, कुछ मुझे किसी की smile अच्छी लगी, मैंने वो post करके डाल दी. You know, like I like that. Great. Thank you so much for sharing these lovely thoughts with us, Nikki. And once again, congratulations and all the very best for the show. और जाते जाते क्या कुछ audience और fans से कहना चाहेंगी, इतनी amazing, इतना amazing show लेकर आ रही है with amazing cast and crew. क्या कहेंगी? I want to thank everyone, like जिन्होंने अभी तक मतलब बहुत प्यार मिला. मैं अभी भी आपको बताऊँ तो notifications पे वो आते ही जा रहे हैं, because you know people are so excited and I am looking forward, because itna jab aapko pyar milta hai to you know aapko hota hai ki aap audience ko itna acche se deliver karo. And abhi tak show aaya bhi nahi and I'm getting so much love, so I can't even imagine how it is going to be like after say 3 days, because 2 din ke baad to aane wala hai. I'm very excited and I hope everybody accepts me as Kalindi, as Nikki, and I'll try ki main hamesha apna best deti rahu taki जो लोग मेरे साथ अब जुड़ेंगे इस जर्नी से वो खुश रहे. थैंक यू सो मच निकी. थैंक यू शिल्पा. थैंक यू. सी यू सून. या 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 बाय.